यूरोपीय यूनियन को वैगनर ग्रुप की एक खुली धमकी। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झाकून से सना हथौड़ा भेजकर यूरोपियन यूनियन को ये चेतावनी दी गई है। यूरोपियन यूनियन ने रूस को आतंक प्रायोजित देश माना है और वैगनर ग्रुप को यूरोपियन यूनियन ने आतंकी संगठन करार दिया है। अब इसी से खफा वैगनर ग्रुप के चीफ ने ये हथौड़ा भेजा है। तस्वीरें आपके सामने। इस बीच यूरोपियन यूनियन को भेजा गया ये हथौड़ा। हालांकि आपको ये बता दें, रूस को आतंक प्रायोजित करने वाला देश माना गया है और ग्रुप के चीफ ने ही यूरोपियन यूनियन को ये हथौड़ा भेजते हुए एक सिंबल, एक साइन दिखाने की ये कोशिश की है। हालांकि ये नाराजगी है, इसी से खफा होकर ही वैगनर ग्रुप के चीफ ने ये हथौड़ा भेजा है, जिसकी तस्वीर आपको टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्हीं हथौड़े के पीछे की ये पूरी कहानी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि क्या ये जिस तरीके से हथौड़ा भेजा गया है, क्या ये एक वार्निंग है? वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने यूरोपीय संघ को अब वायलिन के केस में खून से सना ये जो हथौड़ा भेजा है उसी की तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। क्या ये पुतिन की एक वार्निंग है? यूरोपीय संघ की संसद ने 23 नवंबर को रूस को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश घोषित कर दिया था। उसके बाद ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, क्योंकि इसी के जवाब में अब पुतिन के सबसे कुख्यात कमांडर्स भी शामिल येवगेनी प्रिगोजिन ने ये हथौड़ा भेजा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिगोजिन की इस हरकत को एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इसीलिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एक सिंबल, एक बड़ा संकेत है। प्रिगोजिन की इस हरकत को गंभीर चेतावनी के रूप में जिस तरीके से देखा जा रहा है, ऐसे में कितने अलर्ट हो चुके हैं सभी, क्योंकि इसी महीने बागी होकर यूक्रेन भागे एक रूसी नागरिक को वैगनर ग्रुप ने ही हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और महत्वपूर्ण बात यह कि वैगनर लड़ाकों ने खुद उस घटना का बकायदा वीडियो भी जारी किया था, वीडियो बनाया गया था और वीडियो सामने रखा था। अब माना यही जा रहा है कि हथौड़ा भेजकर प्रिगोजिन ने अब उसी घटना की याद दिलाकर यूरोपीय यूनियन को धमकाया है। अब इस धमकी के बाद कितने अलर्ट है सब। वैगनर ग्रुप को एक आतंकवादी संगठन करार देने पर प्रिगोजिन जिस तरीके से आग बबूला हो चुके हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है अगले कदम पर सबकी नजर है। अब महत्वपूर्ण यही है कि इस वीडियो को जारी कर, इस हथौड़े को भेजकर क्या संकेत देने की यहां पर कोशिश दी गई है और किस तरीके की ये बड़ी वार्निंग है। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।